बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हनी किचन में वेलकम करती हूँ। क्या हाल है आप सब लोग के? अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी शादियों वाली चिकन कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत आसान तरीके से हम घर में बनाएंगे। लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार और मतलब जो कढ़ाइयाँ बनती है ना, उनसे बहुत हटकर कढ़ाई है, बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी ये। तो उसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो नोट कर लीजिए। मैंने 1 किलो पूरी चिकन ली है, हड्डी वाली जैसे चिकन होती है नॉर्मल, उसे धो के मैंने रख लिया है। और आधा किलो हमने टमाटर लिए हैं और इस तरीके से हमने दो दो पीस में काट लिया है उसको। इसके अलावा अदरक लहसुन 2 टेबल स्पून जाएगा इसके अंदर, भुना हुआ धनिया और कुटा हुआ और ज़ीरा, ये दोनों मैंने 1 टेबल स्पून भर कर लिया है। इसके अलावा सफ़ेद ज़ीरा जो है ना, 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून ही हल्दी, 1 टीस्पून काली मिर्च है पिसी हुई और तकरीबन 20 से 25 काली मिर्चें साबुत हैं। इसके अलावा कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी, पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी, नमक जाएगा और ये कुछ हरी मिर्चें, लीमू और ये धनिया अदरक के हमें गार्निशिंग के लिए चाहिए होगा। और हरी मिर्चें तो आपको पता है कढ़ाई में डलती हैं। तो इधर ऑयल मैंने चढ़ा दिया है, करीब मैंने ऑयल चढ़ा दिया पतीले के अंदर। और अब मैं ये चिकन डाल के अपनी फ्राई करूँगी, इतनी कि चिकन का हमारी गोल्डन कलर आ जाए। चलिए देखें, हमारी चिकन फ्राई हो गई है, थोड़ा सा गोल्डन कलर आ गया। अब हम इसमें अदरक लहसुन डालेंगे अपना 2 टेबल स्पून जो अदरक लहसुन का, और इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे 2 से 3 मिनट। अदरक लहसुन डाल के मैंने भून लिया। अभी जो हमारे टमाटर हैं हम इस तरीके से इसके ऊपर रख देंगे और तकरीबन हम 15 मिनट तक टमाटर के सॉफ्ट होने तक इसको पकाएंगे कवर करके। चलिए देख लेते हैं, ये देखें हम टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए और बहुत आराम से इनका छिलका हमारा आ जाएगा हमारे हाथ में। ये देखें इतने, इस तरह मैं सारे छिलके उतार लेती हूँ। लेकिन छिलके सारे मैंने रिमूव कर लिए इसके अंदर से, और इस तरीके से मैं चिमटे की मदद से या कोई भी चीज़ आपके पास हो, चमचा हो या जो भी, इसकी मदद से इसके टमाटर जो हैं अच्छे तरीके से मैं इस तरह तोड़ लूँगी ताकि इसका अच्छे से पेस्ट बन जाए। देखें टमाटर हमारे इसमें मिक्स हो गए हैं और इसमें जो टमाटरों का पानी निकला है वही है, मैंने अलग से कोई पानी नहीं डाला। तो बस अब हम खोल के ही कढ़ाई बनाएंगे। तो अपने मसाले डालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है और 1/2 टीस्पून मैं इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च डालूंगी, क्योंकि ये हमारी 30 मिर्चें हैं थोड़ी सी। और इसके अलावा जो ना, आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं जो ज़्यादा खाते हैं। नमक हम अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे, मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के डाल रही हूँ उसके अंदर। और ये जो काली मिर्चें पिसी हुई कुटी और ये जो ना साबुत हैं, हल्दी है, ज़ीरा है, ये सब भी हम इसमें साथ ही डाल देंगे और अच्छे तरीके से भूनेंगे इसको। बस ये देखें पक रहा है। अब साथ ही हम इसमें कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा जो हमारे पास है ये डाल के और अच्छे तरीके से चलाएंगे। चलो देखें, इसको 5 मिनट हो गए खुला पकाते हुए, ऑयल हमारा ऊपर आने लगा है और बड़ी अच्छी से खुशबू आ रही है। कलर देखें आप लोग कितना ज़बरदस्त है इसका आया है। तो बस ये करेंगे कि अब ये जो हरी मिर्चें हमारी ये हम डाल देंगे और इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए दम पर रखेंगे। चलो ये देखें मिर्चें मैंने डाल दी हैं और ये जो ना क्या कहते हैं, मेरे पास कसूरी मेथी है तो ये मैं बताना भूल गई थी, तो ये भी साथ ही डालूंगी इसमें और डालकर और फिर इसको दम पे रखूंगी। देखें 1 टेबल स्पून के करीब हमने ये ले लिया और इसको हम इस तरीके से जो मोटी मोटी डंडियाँ ये निकाल देंगे ये हाथों की मदद से ना, इस तरीके से करके मैं, और ये डाल के अब दम पर रखेंगे हम इसको और 5 मिनट बाद देखते हैं। चलो ये देखें हमारी शादियों वाली चिकन कढ़ाई माशाल्लाह से बन के रेडी हो गई है। देखें कितनी ज़बरदस्त सी लग रही है ये। तो बस ये है कि अब आपके ऊपर है कि आप इसको बिल्कुल खुश करना चाहें तो इसका वो पानी जो है थोड़ा सा खुश कर सकती हैं, लेकिन जो ना क्या कहते हैं नॉर्मल जैसे हमें शादियों में मिलती है वही वाली है। बस अब फ्लेम ऑफ कर देते हैं और जो लीमू हमारे पास है तो ये लीमू हम इसके अंदर डाल देते हैं। ये देखें एक छोटा लीमू है मेरे पास, लीमू का रस इसमें डाल दिया है। बस अब मैं डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। चलो जी देखिए हमारी बड़ी ज़बरदस्त शादियों वाली चिकन कढ़ाई बनके रेडी हो गई, कितने कम टाइम में, कितने कम मसालों के साथ, बहुत आसान तरीक़े से मैंने कोशिश की आप लोगों को समझाने की। तो मुझे उम्मीद है कि रेसिपी इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।